नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और फिर से हमारे YouTube चैनल घंटा जी में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे पशुपालन योजना क्या है, इसके तहत आप कैसे लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कितना आपको सब्सिडी प्राप्त होगा। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी देंगे। और चैनल पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ज़्यादातर लोग पशुपालन कृषि जैसे रोजगारों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होती है। गरीब वर्ग के लोग ही पशुपालन करते हैं, पैसों के समस्याओं के चलते पशुओं को नहीं पाल पाते, क्योंकि पशुओं की रखने के लिए आपको चारे की जरूरत होगी, उसके लिए पर्याप्त धन नहीं होता है उनके पास, जिसके कारण या तो वो पशुओं को बेच देते हैं या तो उन्हें आवारा छोड़ देते हैं, जिससे देश में आवारा पशुओं की जो है तादाद बढ़ती जा रही है। जिसको देखते हुए सरकार ने कुछ इसके लिए नियम के साथ इस योजना का शुरुआत किया है और बैंकों को आदेश दिए हैं कि पशुपालन के लिए भी लोन उपलब्ध कराया जाए और जो है लोगों को सहायता प्रदान किया जाए, वे पशुपालन के जो है प्रति दिलचस्पी दिखाएं, हम देश के पशुओं की जो है स्थिति जो है स्थिर बनी रहे। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस योजना का जो है लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपने जिला का जो है कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर से संपर्क करना होगा और उन्हें इस योजना के बारे में बताएं और उस स्थान को भी दिखाएं जहां आप जो है पशुओं को रखेंगे और उनके रख रखाव से जुड़ी संबंधित जो है सुविधाओं के बारे में भी उनको बताएं। दोस्तों आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होगा और उसमें जानकारी देनी होगी, जैसे कि जमीन का ब्यौरा, जमीन कितनी है, जमीन का मालिक कौन है, और दोस्तों योजना से जुड़े जो है सभी जो है कागजात भी होना जरूरी है। और यदि आपके पास जमीन है किराए पर लिए हैं आपने तो उसका रेंट एग्रीमेंट भी होना जरूरी है, और आपका कितना खर्च आ रहा है उससे आप कितना लाभ कमाइएगा इसके बारे में भी जानकारी देनी होगी, बैंक से आप कितना ऋण जो है प्राप्त करना चाहते हैं ये लिखना होगा, और ऋण जो है किस पशुपालन योजना के अंतर्गत आप लेना चाहते हैं इसकी जानकारी देनी होगी, और ऋण लेने के लिए जो है व्यक्ति के पास जो है जाति जो है प्रमाण पत्र होना जरूरी है, क्योंकि सब्सिडी जो है जाति के आधार पर दी जाती है। दोस्तों सबसे पहले अपने जिला के कृषि विभाग में जाकर जो है संबंधित जो है कागजात के बारे में पूरी जानकारी आप प्राप्त कर लें, उसके बाद जो है उस अधिकारी के पास जाकर उस प्रोजेक्ट पर आप मोहर लगवा लें और अधिकारी द्वारा ऋण प्राप्त करने की अनुमति आप प्राप्त कर लें। इसके बाद जो है अधिकारी द्वारा बताए गए बैंक में जाकर ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन करें। दोस्तों आपसे बैंक क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग सकता है, दोस्तों सबसे पहले आपके पास जो है पासबुक होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपके पास होना चाहिए। दोस्तों बैंक अधिकारी को अपने प्रोजेक्ट के बारे में समझाएं। दोस्तों बैंक अधिकारी आपका प्रोजेक्ट और जो है डिप्टी डायरेक्टर का हस्ताक्षर और मुहर देखकर आपका ऋण पास कर देगा तथा ऋण में निर्धारित की गई राशि को आपके बैंक में हस्तांतरित कर देगा। यदि आप आरक्षित वर्ग में आते हैं तो आपको जो है आरक्षित वर्ग के अंतर्गत जो है सरकार के द्वारा निर्धारित अनुदान जो है यानी सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर टैप कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।